हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गुडविल होती क्या है। सी गुडविल इज अ वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। मतलब फर्म की जो रेप्यूटेशन होती है वो गुडविल होती है, विच एनेबल देम टू अर्न अ हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म। सिंपल सी अगर मैं भाषा में बताऊं तो देखो, सपोज करो कि मैं एक पेन बनाता हूं। ओके, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पेन का बिजनेस स्टार्ट करता हूं, और मैंने पेन का अपना नाम लिखा रिलायबल पेन, रिलायबल। ठीक है, मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस बिजनेस में ये मैं पेन बनाता हूँ, सिर्फ एक ब्रांडिंग किया हुआ है रिलायबल पेन। अब इसको बनाने का खर्चा कितना आ रहा है? सर, इसको बनाने का खर्चा लेट सपोज 4 रुपये आ रहा है। मतलब 4 रुपये में ये पेन बनता है। मैं मार्केट में गया, ये पेन मेरा खरीदोगे? आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। मैंने कितने में खरीदोगे? आपने कहा 10 रुपये में। कितने में कहा? 10 रुपये में। मतलब अगर मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ तो ये 10 रुपये में बिकता है। मैंने कहा 11 में खरीदोगे? आपने कहा नहीं, 12 में नहीं। मतलब आप 10 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा देने को तैयार नहीं हो इस पेन के। मतलब मैं 4 रुपये का पेन बना रहा हूँ, 10 में बेच रहा हूँ, मेरा फ़ायदा कितने का हो रहा है? सर, मेरा फ़ायदा हो रहा है 6 रुपये का। ओके, अच्छा, अब एक दूसरी कंपनी है, सपोज करो उस कंपनी का नाम है कैमलिन, कैमलिन। ओके, वो भी सेम पेन बनाती है। एज्यूम करता हूं कि मेरी क्वालिटी उसकी क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। यस, अब यहां पे ये मैं पेन बनाता था 4 रुपए का, कैमलिन ने यही पेन बनाया, अपनी ब्रांडिंग कर ली। क्या ब्रांडिंग कर ली? कैमलिन नाम लिख दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर इसका खर्चा भी एज्यूम करता हूं 4 रुपए। मतलब मैं भी पेन बना रहा हूँ 4 रुपए, और एज्यूम अभी कर रहा हूँ कि मेरा भी और उसकी क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। मैंने एग्जैक्टली वैसी क्वालिटी बना दी है। ओके, तो मैं 4 रुपए का मेरा कॉस्टिंग है, उसकी भी लेट सपोज 4 रुपए है। पर जब कैमलिन बाजार में गया, खरीदोगे क्या पेन? कितने में खरीदोगे? आपने कहा 15 रुपए में। आपने कहा 15 रुपए में। मतलब 4 रुपए का पेन 15 में बिक रहा है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब मेरा पेन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? सेम क्वालिटी है, बस मैंने ऊपर नाम चेंज कर दिया, ऊपर कैमलिन लिख दिया। यहाँ पे वाइट पेपर लगा हुआ है, अगर सिंपल अगर मैं इस पर लिख दूँ कैमलिन नाम, आप उसको 15 में खरीद रहे हो, तो मेरा पेन 10 रुपये में, एक ब्रांड की वजह से, एक स्टिकर लगाने से आप उसको 15 में खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि अब इस ब्रांड की एक रेपुटेशन है, एक नाम है कि अगर कैमलिन का पेन होगा तो अच्छा ही होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, इतने सालों से अच्छी क्वालिटी दे रहा है। इसी को तो मैं बोलता हूँ गुडविल, द वैल्यू ऑफ द ब्रांड ऑफ द कंपनी। मतलब जो ब्रांड की वैल्यू है उसको मैं बोलता हूं, विच एनेबल देम टू अर्न अ हायर प्रॉफिट। देखो मुझे कितना फायदा हो रहा है, 6 रुपए, वही पेन बना रहा हूं, फिर अब एक स्टिकर चिपका दिया 10 पैसे का, और 6 रुपए का मैं पेन 11 में बेच सकता हूं, 5 रुपए प्रॉफिट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बिकॉज मेरी ब्रांड की मेरी वैल्यू है, और इससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। यस, ब्रांड से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, बिकॉज एक रेपुटेशन होती है। जैसे एप्पल फोन है, उसका होगी कॉस्टिंग 40,000 रुपए या 30,000 रुपए, पर वो बेचता 1 लाख में है। ब्रांड है, ब्रांड है। तो जो भी पूरी दुनिया में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, एवरी बिजनेस इज डूइंग इट फॉर द ब्रांड। जितने भी लोग कर रहे हैं, ये जो IPL आता है यहाँ पे, स्पॉन्सर करते हैं वीवो, टाटा, ये सब स्पॉन्सर क्यों करते हैं? ब्रांड बनाने के लिए। पूरी दुनिया लगी हुई ब्रांड बनाने में, और ब्रांड बनाने में मुझे 100 साल, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं, और ब्रांड बिगड़ने में 1 दिन भी नहीं लगता। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो गुडविल का मतलब समझ में आया, हायर प्रॉफिट मिलता है, रेपुटेशन जो मेरी ब्रांड की, जो मेरी वैल्यू है। तो गुडविल ये आती क्यों है? देखो, देयर आर नंबर ऑफ रीजन जिससे मेरी गुडविल आती है। सबसे पहला रीजन है भैया मेरी क्वालिटी, मेरी क्वालिटी अच्छी है इसलिए मेरा ब्रांडिंग है। आज कैमलिन है, फेबर कैफ्टल है, नोकिया क्या, एप्पल है, वीवो है, ये सब क्वालिटी, ये क्वालिटी बना रहे हैं तो उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। तो अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी गुडविल होगी। मैगी क्यों खाते हैं? अच्छी क्वालिटी है, आप वहां पे खाते हो, तो ये आपकी गुड क्वालिटी। सेकेंड है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब है अगर आप कोई सिटी में एक ऐसी लोकेशन में आपकी शॉप है या दुकान है जहां पे लोगों का जाना आना जाना ज्यादा होता है। लेट सपोज अगर आप दिल्ली में हो तो कनॉट प्लेस में आपकी शॉप है, बॉम्बे में हो तो नरीमन पॉइंट पे आपकी शॉप है, तो अगर वहां पे अगर आपकी शॉप होती, दुकान होती है, तो ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक बन जाती है। भाई इतनी बड़ी जगह पे यहाँ पे शॉप ले रखी है, तो बट अवे अच्छी क्वालिटी का माल ही होगा। वन ऑफ द फैक्टर है फेवरेबल
गुडविल, आपको पता ना आपकी लोकल सिटी के अंदर कुछ एक दुकान होती है मिठाई की दुकान, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वहां पे लोग बहुत आते हैं, बिकॉज वहां पे अगर उसने खोल दी तो आपको पता है उसके एक ब्रांड बन जाता है। क्लियर है? फेवरेबल लोकेशन, गुड क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस देते हो, जैसे अमेज़न है, आपका अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न करो, ये कस्टमर सर्विस तो है, ब्रांड बन जाता है, यार मैं अमेज़न से खरीद लेता हूँ आंख बंद करके, नहीं अच्छा लगा, क्वालिटी खराब है, वापस करो, ये क्या है, कस्टमर सर्विस है। क्लियर है? मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, अगर मेरे बिजनेस में एक ही प्लेयर है तो बटो मेरा ब्रांड है, और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो ब्रांड है। ओके, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, मेरे बिजनेस में हर साल प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पिछले साल 2 लाख प्रॉफिट, इस साल 4 लाख, फिर अगले साल 10 लाख, 50 लाख, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो मेरी ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ती है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है कि प्रॉफिट उसका बढ़ता जा रहा है। एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल होती है, गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करती कि आप बनाओ, आजकल ईवी का जमाना चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करी कि आप अपना बैटरी बनाओ, तो यहां पे अगर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी होती है तो भी मेरी गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फैक्टर की गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। तो गुडविल के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। मतलब आप लैंड खरीदते हो, जमीन टच कर सकते हो, बिल्डिंग खरीदते हो टच कर सकते हो, फर्नीचर खरीदते हो टच कर सकते हो, टेबल खरीदते हो टच कर सकते हो, ये पैनल लिया टच कर सकते हो, ये सबको टच कर सकते हो, गुडविल को कैसे टच करोगे? आप बोलोगे फिर मैंने तो एप्पल का फोन लिया, एप्पल के लोगो पे टच कर दिया। नहीं, गुडविल की वैल्यू को कैसे टच करोगे? गुडविल को आप टच नहीं कर सकते, गुडविल को आप फील कर सकते हो, राइट? तो इट इज एन इनटेंजिबल, जो दिखता नहीं है फील कर सकते हो। टेंजिबल मतलब जो दिखता है, जिसको आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल मतलब दिखता नहीं है, फील कर सकते हो, इनटेंजिबल। इट हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट, यस, गुडविल मुझे अर्न करना, मैं बता चुका हूं, एक सिर्फ नाम से ये प्लेन पेन है और ये कैमलिन का पेन है, दोनों की क्वालिटी सेम है, बस मैंने ब्रांडिंग बना दी, नाम से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ब्रांडिंग, यस, दैट्स इंपॉर्टेंट। इट फ्लक्चुएट वेरी कॉन्स्टेंटली, गुडविल ऊपर नीचे होती रहती है भाई साहब, एक कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। सर कैसे? मैगी का केस ले लो, पहले मैगी कितनी चलती थी, बीच में मैगी में वो आया था ना, केस हुआ था कि उसमें लेड पाया गया है, मैगी की वैल्यू एकदम कम हो गई, ब्रांडिंग कम हो गई। क्यों? क्योंकि भाई उसमें लोगों ने खाना बंद कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस। उसके बाद मैगी ने एडवर्टाइजमेंट किया, भाई हमारा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग खरीदने लग गए। तो यहां पे हर बिजनेस की ब्रांडिंग ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। पहले नोकिया का बहुत नाम था, आजकल एप्पल और वीवो का नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग किया। आजकल नोकिया का ब्रांड वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अब वो चली गई, वो मतलब मार्केट में चली गई। यही हो रहा है। क्लियर है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर गुडविल, बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं बोलूं एप्पल कंपनी का ब्रांड नेम क्या है या वीवो कंपनी का ब्रांड नेम क्या, बहुत डिफिकल्ट है यार। 100 करोड़, 1 लाख करोड़, 1000 करोड़, क्या करोड़, इसको मेजर कैसे करें? देर आर वैल्यू, देर आर अलग मेजर से जो आपको पूरा सिखाऊंगा, बट दे आर नॉट 100% एक्यूरेट, पर उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। ये कोई साइंस नहीं है कि वाटर का फॉर्मूला H2O डाल दे तो H2O, नहीं भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट है मेजर करना। देर आर वेव जो हम जिससे हम ट्राई करेंगे गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर है? अच्छा, गुडविल दो टाइप की होती है, पर दो टाइप की गुडविल होती है? गुडविल तो गुडविल होती है, नहीं, दो टाइप की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जो मैंने खुद बनाई है। खुद बनाई है मतलब, देखो मैंने ये पेन बनाया रिलायबल पेन, ठीक है ना, पहले साल में मैंने बेचा, बोला कितने पे खरीदोगे, आपने कहा 10 रुपए में, 10 रुपए में, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की, बहुत अच्छी किया। अब अगले साल आपको लगा ये प्रोडक्ट बहुत दमदार है, रिलायबल पेन लिमिटेड बहुत अच्छा चल रहा है, अगले साल आप वो सेम पेन के मुझे 12 रुपए देने लग जाओगे, अगले साल आप मुझे 15 रुपए देने लग जाओगे। मतलब मैं धीरे 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 अपनी अच्छी क्वालिटी देके ब्रांड खुद बना रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? इंटरनली जनरेटेड ओवर द पीरियड, जो मैं खुद
खुद जनरेट करता हूं उसको मैं बोलता हूं सेल्फ जनरेट, मेहनत करके करता हूं वो ये करता हूं, ऑल्सो नोन एज इनहेरेंट गुडविल। क्लियर? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, इसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जो कि बाद में आपको मालूम चलेगा क्यों नहीं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज मेरी बिजनेस की क्या वैल्यू है मुझे क्या पता। मेरे बिजनेस की वैल्यू 100 करोड़ है, मेरे नाम का रिलायबल पेन का नाम क्या है, एप्पल का है तो एप्पल का नाम की वैल्यू क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। और मैंने कोई पैसे तो दिए नहीं, गुडविल खरीदी तो नहीं, तो उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूं? जब मैं इसको मनी में मेजर नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसको नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, बिकॉज कहीं पे इसका पैसों का लेना देना नहीं हुआ है। आज मेरे बिजनेस का ब्रांड नेम क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो इसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे मैंने मनी में यहाँ पे मैंने कुछ पे नहीं किया उस गुडविल के लिए। क्लियर है? वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव है। मैं बोलूंगा मेरे बिजनेस का नाम 10 करोड़, आप बोलोगे 12, कोई तीसरा बोलेगा 15 करोड़, कुछ अलग अलग वैल्यू हो सकती है, तो वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। क्लियर है? तो सेल्फ जनरेटेड जो मैं खुद बनाता हूं, अच्छा ठीक है, अब मुझे खुद बनाने में कितना टाइम लग गया भाई साहब, 1, 2, 3 साल लग गया, मतलब 3 साल लग गए मुझे एक नाम बनाने में, 15 रुपए बेचने में। कैमलिन आज ही वो 15 रुपए बेच रहा है, 15, 15, 15, 15, 15, मतलब यार कैमलिन आज ही 15 में बेच रहा है, मुझे 3 साल लग जाएंगे। एक पेन जो मैं 4 रुपए में बनाता हूं, मुझे 10 रुपए पहले साल में, दूसरे साल में 12, फिर 15, पर कैमलिन आज ही 15 में बेच रहा है। तो मैंने सोचा यार दीपक एक काम करता हूं यार, कौन ये एक नया पेन बना रहा हूं, अभी ब्रांडिंग नहीं की हुई है, कौन यार रिलायबल पेन लिमिटेड कौन लिखे, कैमलिन ही नाम लिख देता हूं। मैंने कैमलिन को अप्रोच किया, देखो कैमलिन आप बहुत अच्छा पेन बनाते हो, आपके जैसा पेन ही मैंने बनाया, आप चेक कर लो क्वालिटी, चेक कर लो। कैमलिन आया, हाँ यार क्वालिटी तो शानदार है। मैंने कहा आपका नाम लिख दूं उसके अंदर, तो कैमलिन बोलेगा अरे भाई क्या बेवकूफ है क्या, मेरा नाम तो मेरा वैल्यू है, मेरी रेपुटेशन है, मैंने बिजनेस किया। मैंने कहा अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको पैसे दे रहा हूं ना नाम के। कैमलिन ने कहा अच्छा पैसे दे रहे हो, बताओ कितने पैसे दोगे। मैं कहा कि चलो मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए देता हूं पेन बन में, एक तुम्हारा नाम या चिपकाने में। अब आप खुद ही सोचो, मैं जब उसका नाम यहां पे लगा दूंगा, मेरा पेन पहले दिन से ही 15 रुपए में बिकने लग जाएगा। मेरा पेन पहले दिन से कहां चला गया, मेरा पेन पहले दिन से ही 15 रुपए में बिकने लग जाएगा। मतलब अब मुझे 15, 15, 15, बिकॉज मैंने नाम अपना कर दिया कैमलिन, मतलब मैंने कैमलिन का नाम खरीद लिया। इसको मैं बोलता हूं परचेज गुडविल। क्या बोलता हूं? परचेज गुडविल, मतलब जो मैं खुद परचेज करता हूं। मैंने कैमलिन का नाम खरीद लिया, मैंने उसको परचेज कर लिया, और इसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड करता हूं। बुक्स में रिकॉर्ड करता हूं मतलब यस, मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैंने कैमलिन का नाम जब खरीदा था तो मैंने उसको रुपए दिए थे ना, 100 करोड़ रुपए दिए ना, तो यस मैंने कैमलिन का नाम खरीदने के लिए जो रुपए दिए वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। आपने देखा होगा एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर क्यों करती है, अरे कौन मेहनत करे, फटाफट उसको खरीद लो और आगे बढ़ाओ, पैसे दो और नाम खरीद लो। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खरीद रही है, क्यों खरीद रही है, नाम बना, नाम आज ही खरीद लेते हैं, उसको पच्चे गुडविल बोलते हैं। एसेट में दिखाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ एंड उसको एमोटाइज करता हूँ, मतलब अगर मैंने नाम 10 साल में खरीदा तो 10 साल तक मैं उसको एमोटाइज करूंगा। समझ में आ गया? तो टू टाइप ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल, जो मैं परचेज करता हूँ वो मैं बुक्स में दिखाता हूँ, सेल्फ जनरेटेड बुक्स में नहीं दिखाता हूँ, वैल्यू मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? अच्छा मैं ये गुडविल की मेजर कब कब करूंगा, ये गुडविल की वैल्यू कब निकालता हूं, अगर आप पार्टनर आपका 12th के अंदर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में मैं गुडविल की वैल्यू निकालूंगा अलग अलग वेज में। जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तब गुडविल निकालूंगा, हम एडमिशन में डील करेंगे। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तब मैं गुडविल की मेजर करूंगा, वो हम रिटायरमेंट चैप्टर में करेंगे। जब पार्टनर की डेथ होती है तब मैं करूंगा गुडविल, वो डेथ चैप्टर में करेंगे। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तब हम मैं गुडविल मेजर करूंगा, वो हम करेंगे डिसॉल्यूशन चैप्टर में। और जब पार्टनर में एमलगेमेशन होता है जो आपके क्लास 12th में नहीं है, हम तब करेंगे उसमें गुडविल मेजर करेंगे। एंड एक और वैल्यू में करेंगे, जब पार्टनर्स में रेशियो चेंज होता है, मतलब 3 पार्टनर है, ए बी सी, रेशियो है 2:1:1 और अब नया रेशियो हो रहा है, जब रेशियो चेंज होता है प्रॉफिट का, जो कि हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्या उसमें हम डील करेंगे, जब रेशियो चेंज होगा तो हम गुडविल की वैल्यू क्यों करेंगे, कैसे
करेंगे, ये सब हमें उसमें सिखाऊंगा। क्लियर है? तो गुडविल की मेजर हम कब कब करेंगे मैं आपको बता दिया, राइट। अब देयर आर वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, बहुत सारे मेथड्स हैं। नॉर्मली देयर आर 6 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, आपके एग्जामिनेशन में ये टॉप 5 मेथड्स ही आ रहे हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिफ्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड द लास्ट इज एनुइटी मेथड। आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये 5 मेथड है, ये लास्ट वाला मेथड आपके नहीं है। ये हम सारे मेथड डिस्कस करेंगे, एक एक मेथड, एवरेज मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, दोनों के फ्लॉज क्या होते हैं, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट इसके अंदर क्या होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलो अगर समझ में आया तो क्वेश्चन करें क्या फटाफट? चलो फटाफट क्वेश्चन करो, कमेंट में आंसर देना। देखो मैं आपको देखता हूं आपका आंसर सही आता है क्या। गुडविल क्या है, टेंजिबल इनटेंजिबल? गुडविल क्या है भाई साहब, टेंजिबल या इनटेंजिबल? सर इनटेंजिबल, दिखती तो रही है, फील कर सकते हैं, दिखती नहीं है। ओके, कैन वी रिकॉर्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल? जो मैंने खुद जनरेट किया क्या मैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं, आई कैन नॉट रिकॉर्ड। व्हाई सर? क्योंकि मैं मेरी खुद की गुडविल में कैसे मेजर करूंगा, मेरे नाम की वैल्यू क्या, मुझे क्या पता भाई आज मेरे नाम की, मैं किसी का नाम खरीद रहा हूं कैमलिन का, तो मुझे पता है मैंने उसको 100 करोड़ रुपए दिए, मेरे कंपनी का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो वेरी डिफिकल्ट टू मेजर है। थर्ड, व्हेन टू मेजर गुडविल? चेंज इन रेशियो अमंग पार्टनर, यस, एडमिशन में भी करता हूं, रिटायरमेंट में भी करता हूं, डेथ में भी करता हूं, डिवोर्शन में करता हूं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया 4, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? तो आंसर हो गया गुडविल इंटेंजिबल है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते इंटेंजिबल गुडविल को, एंड व्हेन टू मेजर द गुडविल, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, अकाउंट फंडला क्लास वाला, जहां पे मैं सारे नोट शेयर करूंगा, प्लीज ज्वाइन दैट। एंड अगर आपको व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो क्लास 12 ग्रुप आप मुझे टाइप करो, कहाँ पे, 9549168, मुझे एक मैसेज भेजो, मैं आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा। एंड यस, आप सब्सक्राइब तो कर ही लेना, एंड यस, मेरा जो अकाउंट फंडा, जो मेरा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल पे, दोनों पे अवेलेबल है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना। वहां पे मैं नोट शेयर करता हूं, लेक्चर शेयर करता हूं, एवरीथिंग जो भी अकाउंट से रिलेटेड शेयर करता हूं, वहां मेरे कोर्स पे भी अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर देना। एंड यस, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर अच्छा लगा तो, फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करो, एंड यस, लाइक तो कर लेना, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, बाय।